लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार के साथ संबंध रखने वाले एक 10,000 के इनामी बदमाश को उसके साथी सहित रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ हत्या फिरौती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी उदय सिंह मीना का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से वो कई होने वाले वारदातों को रोकने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का दावा है कि 30 गैंगस्टरों की लिस्ट उनके पास है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि रोहतक पुलिस एक मोस्ट वांटेड के पकड़ने के लिए अभियान जारी किए हुए है पिछले 2 महीने से, तो आज हमने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। इसी के संदर्भ में ये प्रेस रिलीज हम कर रहे हैं। तो हमारा एक बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड था विकास उर्फ मटरी, जो सेमनगांव के थे, तो उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। उसको हमने, हमारी CIA टीम ने एडिशनल SP महम के क्लोज सुपरविजन में गिरफ्तार किया है। तो वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 का हमारा इनामी बदमाश था। तो ये हमारे 4 केसेस में वांटेड था। एक 2015 का मुकदमा था दुराचार का, उसमें ये हाई कोर्ट से बेल पाया हुआ था, उसके बाद ही भागा हुआ है। उसके बाद उसने 2019 में और 2021 में 2020 में 2 मर्डर्स किए हैं और तब से ये भागा हुआ था। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी और हमने काफ़ी लगातार इस पर मेहनत करी थी हमारी टीम, और हमने अभी कल उसको हिसार से पकड़ा है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। रिसेंटली इसने एक फिरौती की भी डिमांड की थी सुरेंद्र ठेकेदार से, महम में 50,000 रुपये मांगे थे। उसी के संदर्भ में एक नई FIR हुई थी 16/3 को, और उसमें हमें पाया गया था कि इसके साथ एक सोनू नाम का एक बदमाश और है, तो वो जो छत्तीसगढ़ में रह रहा था। तो छत्तीसगढ़ में हमारी टीम ने रेड की थी, वहाँ से उसके बाद सोनू भाग के यहाँ गया था, सोनू को अरेस्ट किया। उसके बाद सोनू से मुखबरी लेके, इन्फॉर्मेशन लेके हम फाइनली विकास मटरी को अरेस्ट करने में कामयाब रहे। सर, इससे कोई वेपन बरामद हुआ है? विकास मटरी से एक वेपन मिला है, बाकी और पूछताछ करेंगे हम। हमें उम्मीद है इससे और भी असले हमें मिल सकते हैं। सर, सेमनगांव में जो हत्याएं हुई थी वो क्या कबूल की गई हैं? जी, सेमनगांव में जो हत्याएं हुई थी वो रंजिशोध हत्याएं हुई हैं, तो इसमें दोनों हत्याओं में विकास मटरी शामिल था। जो फेसबुक पोस्ट अपलोड किया था? जी, विकास मटरी ने वो फेसबुक पोस्ट अपलोड की थी, और उनका आगे भी कुछ हत्याएं वारदात करने का प्लान था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी वारदात करने से पहले हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। क्यों ये हत्याओं को अंजाम देते थे, क्या कुछ करते? देखिए, ये हत्या का जो मेन सिलसिला है वो 2015 में एक दुराचार की FIR हुई थी, 377 की FIR हुई थी, तो उसके साथ आपस में इनमें वाद विवाद हुए थे, उसके साथ ये हत्याएँ चालू हुई हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसने 2 हत्याएँ पहले की हुई। अच्छा सर, और लोग भी हैं इसके साथ ही, अकेले ही घटना हुई? दूसरा जो पकड़ा गया जी, सोनू जो पकड़ा गया है, जो फिरौती वाले मामले में सोनू और पकड़ा गया है, इसके साथ सोनू ने अपने फ़ोन से ऑडियो क्लिप भेजी थी सुरेंद्र ठेकेदार को कि आप 50,00,000 रुपये दीजिए, अदरवाइज आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ये सोनू के माध्यम से विकास मटरी ने ये फिरौती की डिमांड की है। क्या कुछ और घटनाओं को भी अंजाम देने वाले? जी हाँ, इनके जितना हमने अभी तक पूछताछ की है, बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, पर ये इनके कुछ रडार में और लोग भी थे। आपने फेसबुक इनकी पोस्ट देखी होगी जिसमें बोला था ये तो शुरुआत है, तो इनके रडार में दो तीन लोग और थे, तो उनका भी इनको मारने का प्लान था। तो इसके अलावा और भी इससे पहले इन लोगों ने किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है सर? जी, ये मेन जो इनकी राइवलरी से स्टार्ट हुआ था सेमन में, उसके अलावा इन्होंने फिरौती के काम किए हैं, और ये जो हमारी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो प्राइमरी हमारी जो नॉलेज आई है, उसमें ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संपर्क में है। गोल्डी ब्रार एक अदर बदमाश है, उसके संपर्क में है। क्या बैकग्राउंड है इनका, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं गोल्डी ब्रार, और ये एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं। एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में नहीं है। ये लोग जो हमारे जो हमने पकड़े हैं, इनके यहाँ पर जो वर्किंग हैंड्स होते हैं भाई, ये विदेश में रह के इनके थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो ये लगातार इनको पैसे दे रहे थे और ये इसके थ्रू एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे अपने। किन देशों में हैं? जी, ये अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिल्टर्ड आउट नहीं हुई है, बट हमें है थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये कनाडा में हैं अभी। और भी पूछताछ बाकी इससे? डायरेक्ट अभी रिलेशनशिप नहीं आया है जी, हमें अभी पूछताछ करेंगे, पर जो अभी इनिशियली हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ ना कुछ हमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिले हैं जिसमें हमें मतलब पॉसिबिलिटी पाई गई है कि उनसे कनेक्शन है इनका। हमारे पास जी 30 की लिस्ट है, उसमें से 5 हम अरेस्ट कर चुके हैं, और टीम पूरी तरह लगी हुई है, CIA इंचार्ज, एडिशनल SP साहब, ASP सांपला, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने एरिया में मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक इन लोगों को हम अंदर नहीं करेंगे
क्राइम पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाया। क्या कोई इनाम भी घोषित किया हुआ था? हाँ जी, जो आज हमने पकड़ा है इसको 10,000 का इनाम DGP साहब ने घोषित किया हुआ है।